झुंझुनू जिले के चिड़ावा में डॉक्टर पति पत्नी को बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया है। घटना रविवार सुबह करीब 8:30 बजे की है, जब दोनों पति पत्नी घर पर ही थे। बंदूक की नोक पर 5 बदमाश घर के अंदर घुसे, दोनों को बंधक बनाया और करीब 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि कुल 5 बदमाश ने घटना को अंजाम दिया है, जिसमें से 2 ने हरियाणा पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। घटना चिड़ावा कोर्ट रोड पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के सामने की है, जहां डॉक्टर सुभाष भारद्वाज का अस्पताल है, यही उनका घर भी है। रविवार सुबह 5 लोग उनके घर पहुंचे, जिन्होंने गेट बजाया। डॉक्टर बाहर आए तो 5ों ने खुद को हरियाणा पुलिस का बताया। लुटेरों ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के किसी केस के बारे में पूछताछ करनी है। इस पर डॉक्टर ने 5ों को घर के अंदर बिठा लिया। लुटेरों ने कहा कि 2006 में हरियाणा का कोई मर्डर हुआ था, उसके आरोपी ने आपके अस्पताल में इलाज कराया था। डॉक्टर ने लुटेरों को बताया कि उनका अस्पताल बच्चों का है, किसी बदमाश यहाँ इलाज नहीं करा सकता। इतना बोलते ही लुटेरों ने डॉक्टर भारद्वाज पर बंदूक तान दी। इसके बाद दोनों पति पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया गया। 5ों घर के यहाँ वहाँ घूमकर 2.5 लाख रुपए लूट ले गए। बता दें कि डॉक्टर भारद्वाज झुंझुनू बीडी के अस्पताल के रिटायर्ड PMO हैं। वापिस भी आऊंगा।